दस नियंत्रण किया हुआ था, दशम जी महाराज एवं अर्जुन। अर्जुन को छोटी मोटी हस्ती मत समझिएगा, निराश अर्जुन। भगवान जी कहते जिसके अंदर आलस नहीं है वह अर्जुन, जिसका दीन पर नियंत्रण है वह अर्जुन। कहीं वर्णन आता है अर्जुन को मत ऐसा समझिएगा कि ये एक साधारण कोई व्यक्ति है। संत महात्मा उसे नर कहते हैं तो भगवान को नारायण कहते हैं। नर तो हम भी हैं लेकिन हमें तो ऐसा भगवान संबोधित नहीं करते। अर्जुन को ऐसा किया है, नर है, मैं नारायण। युद्ध के दिनों में भी देवी सचिनों ध्यान दो, हम कहां हैं उनके मुकाबले में। युद्ध के दिनों में भी अर्जुन युद्ध कोई साधारण चीज नहीं है, वैर विरोध से भरी हुई, शत्रुता से भरी हुई चीज। आप तो अपने घरों का काम काज करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी चलाते हैं, मामूली बातें हैं। अर्जुन युद्ध कर रहा है, मेरे सामने शत्रु खड़े हैं, मैंने इनको मारना है। तो अंदर से वैर द्वेष भावना कितनी कटक कितनी होती होगी कि मुझे इसको मारना है, ये कोई छोटी बात नहीं है। वह निर्वैर नहीं है, उसके अंदर उस वक्त वैर की भावना, द्वेष की भावना उसके अंदर आती है, क्रोध की भावना उसके अंदर आती है, बदले की भावना उसके अंदर उस वक्त आती है। इतने सब कुछ के बावजूद भी देवी सचिनों आपको आश्चर्य होगा, अर्जुन सोने से पहले 51 माला रोज फिरता था, अपने कक्ष में आके 51 माला रोज फिरता था। कहते हैं भगवान श्री अर्जुन का कक्ष एक ही होता था, दोनों एक ही कक्ष में सोते थे। आज अर्जुन इतना थका हुआ है, इतना थका हुआ है कि माला फिरते फिरते कई दफा हमारे भी होता है ना, छूट जाती है माला, मान ऊंग आ गई। अर्जुन को भी ऐसी ही ऊंग आ गई, गहरी नींद में प्रवेश कर गया। मध्य रात्रि के बाद कहीं आंख खुली, इस प्रकार से करके मेरी मालाएं पूरी नहीं हुई, देखा तो माधव माला फिर रहे थे। पूछा, आप क्या माला फिरती हैं? पर तेरी माला पूरी नहीं हुई थी, मैं पूरी कर रहा हूं। अर्जुन को साधारण व्यक्ति न समझेगा, मैं तुम्हें अपने दिव्य नेत्र देता हूं तो इन नेत्रों से मुझे देख सकेगा। बुद्धि योग की चर्चा चल रही है साधक चरण 10वें अध्याय के अंतर्गत, जो बुद्धि की चर्चा थी, जो हमें परमात्मा में पूर्णतया विश्वास न होने दे, राम नाम में पूर्णतया विश्वास न होने दे, वे दुर्बुद्धि है। इधर उधर भटका के वे दुर्बुद्धि है। भगवान राम अवतरित हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए हैं, एक अयोध्या में अवतरित हुए हैं, दूसरे मथुरा में अवतरित हुए हैं। देवतागण जहां जहां भी बैठे हुए हैं, मुख्यतः देवलोक में, अन्य स्थानों पर भी जहां जहां भी बैठे हुए हैं, मान्य भावना आई। न जाने कितने हजारों वर्ष हो गए हैं देवलोक में रहते हुए, अभी तक भगवान के कहीं दर्शन नहीं हुए, न ही कभी भगवान की सेवा का अवसर ही मिला है और न ही कभी मिलेगा। देवता भी, शास्त्री जी, देवता भी इंतजार करते हैं कब मानव योनि मिलेगी और हम भक्ति करके तो परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे, सेवा करके परमात्मा के बंधुओं की, परमात्मा के साकार रूप की सेवा करके तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकेंगे। देव दुर्लभ देव, ये जो हमें मिली हुई है देव दुर्लभ, मानो ये देवों को भी दुर्लभ है, देवताओं को भी दुर्लभ देव जो हमें परमेश्वर ने कृपा करके दी हुई है। देवता इस देव के लिए, देवी इस मानव योनि के लिए तरसते हैं, कब ये हमारा हिसाब किताब ये देवताओं का खत्म होगा और कब हमें मानवीय योनि मिलेगी और कब हम परमात्मा की भक्ति कर सकेंगे या परमात्मा की सेवा के योग्य हो सकेंगे। आज मन में आया,
33 करोड़ देवता है, शास्त्र कहता है। आज मन में आया अवसर है, चलो भगवान की सेवा करते हैं। भगवान इस धरती पर अवतरित हो रहे हैं, हो गए हैं। अतएव बहुत से देवता वानर बन के तो भगवान राम की सेवा के लिए उपस्थित हुए, पेड़ बन के व अन्य कुछ कुछ बन के तो भगवान कृष्ण की सेवा व उनके साथ लीला इत्यादि करने के लिए, उनकी लीला अवलोकन करने के लिए योनियां धारण की। जो देव परमात्मा के दर्शनों को, परमात्मा की सेवा को तरसते हैं, मुझे आश्चर्य होता है सुन के जब कोई कहता है कि अमुक देवता ने ये कहा है कि राम राम जपना बंद कर, मेरा शरीर कांप जाता है। कोई ऐसी देवता, देवी देवता इस संसार में नहीं हो सकता, सारे ब्रह्मांड में नहीं हो सकता जो ये कहे, किसी को राम राम जपने वाले को ये कहे कि राम राम मत जप, माला ऐसा पाप कोई देवी देवता कभी नहीं करेंगी, ये पाप है। हाँ, स्वार्थी लोगों का बीच में हाथ हो तो उनका कथन हो सकता है, वे स्वार्थी हैं, वे निष्कामी नहीं। आप बहुत भोली हो देवी, यहां की लाहौल की देवियां, यहां के सज्जन, यहां के पुरुष बहुत भोले हो, सोच समझ के इन बातों में आया करो। परमेश्वर ने आपको राम नाम दिया है, अपना नाम दिया है, दिलवाया है, आप अपनी दुर्बुद्धि को, मंद बुद्धि को, तीव्र बुद्धि कुशाग